Hello everybody, my name is Rohit and welcome to our channel Code Code Code. So if you are new to this channel then please do subscribe to our channel. तो आज का जो सीरीज है हम लोग क्या कर रहे हैं, टॉप 100 क्वेश्चन फॉर सर्विस बेस्ड कंपनी जो है बनाना स्टार्ट किया हूं मैं, ठीक है। तो इसमें क्वेश्चन जो स्टार्ट होगा बहुत ही बेसिक से स्टार्ट होगा, तो हम लोग का बेसिक जब स्ट्रांग होगा तभी हम लोग आके मीडियम लेवल और हार्ड लेवल क्वेश्चन कर सकते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, एकदम बेसिक से जाएंगे और फिर हार्ड क्वेश्चन तक जाएंगे, तो हम लोग देखेंगे। तो आज हम लोग करेंगे दो क्वेश्चन टॉप 100 क्वेश्चन में से सर्विस बेस्ड कंपनी में। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग बिना देरी के। नीचे टेलीग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है जहां मैं सारे अपडेट्स देते रहता हूं, एंड एक डिस्कशन ग्रुप है। तो अगर क्वेश्चन नहीं बने तो एक दूसरे का आप लोग हेल्प ले सकते हैं और वहां पे हम लोग चीजें डिस्कस कर सकते हैं, तो जाके जुड़िए प्लीज। और यहाँ तक आ गए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना, ठीक है। तो उससे क्या होता है, मोटिवेशन मिलता है। अब हम लोग बिना देरी के क्वेश्चन को शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि पॉजिटिव एंड नेगेटिव नंबर, मान लो एक एरे दिया हुआ है एकदम बेसिक से, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 दिया हुआ है, एंड सेम कंसीडर कर लो कि -1 देन -2 देन -3 देन -3 मान लो। अब हम लोग इसमें से बताना है कि कौन सा पॉजिटिव है एंड कौन सा निगेटिव है, मतलब कितना नंबर पॉजिटिव है एंड कितना नंबर निगेटिव है। ऐसे भी तरह तरह का क्वेश्चन हो सकता है, एन इनपुट देते हैं तुमको बताना हो कि इसमें पॉजिटिव कौन है नेगेटिव कौन है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें हम लोग सिंपली एक काउंट वेरिएबल बना लेंगे कि कितना मेरा पॉजिटिव नंबर और कितना मेरा नेगेटिव नंबर, ठीक है। तो हम लोग एक लूप चला लेंगे, फॉर आई इन रेंज लेंथ ऑफ एरे, और हम लोग सिंपली चेक करेंगे कि इफ array of i is greater than 0 then it is positive, then we will increase the value of count plus is equal to 1, and another variable ले लेंगे हम लोग negative का, तो एक ले लेंगे हम लोग count 1 is equal to 0, else क्या करेंगे हम लोग cnt plus is equal to 1। ये हो गया हम लोग का, तो हम लोग उसको comment out करते हैं और run करा के देखते हैं। sorry number ही हो गया, कोई बात नहीं। CNT is not defined. Why? Oh, sorry. CNT 1 हो जाएगा। और कुछ प्रिंट कराए नहीं, वाह वाह वाह, रन करा रहे हैं कुछ प्रिंट कराए नहीं। लूप खत्म होगा तो हमें प्रिंट भी तो कराना है, काउंट 1 एंड काउंट। आंसर क्या आएगा, 5 और 3, यानी कि आंसर आएगा 3 और 5। हम लोग काउंट कर रहे हैं सबसे पहले नेगेटिव नंबर, देन वी विल काउंट पॉजिटिव नंबर। So let's run the program. 3 and 5 आ रहा है। तो ये बहुत ही बेसिक सा प्रोग्राम है, लेकिन धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे और अपना लेवल बढ़ाते जाएंगे। सेकेंड क्वेश्चन है, सेकेंड क्वेश्चन था तुम्हारा कि कैसे हम लोग फाइंड करेंगे कि कोई नंबर इवन है या ऑड है। तो बोलोगे भैया ये तो बहुत ही ईजी है और हम लोग आराम से कर सकते हैं। तो इसका कोड क्या होगा, सिंपली कि इफ एन मॉड्यूलो 2 equal to 0, ये तो हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। Then print, simply print it is even, print हम लोग करा देंगे क्या कि even है बस, otherwise हम लोग क्या print करा देंगे कि ये odd है, ठीक है। ये तो भैया हम लोग जानते हैं, ये सिंपल सा क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। लेकिन मैं तुमको एक और मेथड बताता हूँ जो कि बहुत ही एफिशिएंट मेथड है, ठीक है। तो वो कौन सा मेथड है, इससे बहुत ज्यादा फास्ट होता है, वो हम लोग बिट मैनिपुलेशन के तरीके से करेंगे। ये बिट मैनिपुलेशन के तरीके से हम लोग करेंगे, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं बिट मैनिपुलेशन की तरफ से कैसे करेंगे। कंसीडर करो दो नंबर, एक 3 ले लो एंड एक 6 ले लो, एक ऑड एक इवन ले लिए। तो 3 का हम लोग बिट मैनिपुलेशन निकालेंगे तो क्या आएगा, 1 1, और एक 0 डाल लेते हैं हम लोग। और 6 का हम लोग निकालेंगे तो क्या आएगा, 6 का आ जाएगा वही तुम्हारा 4 1 2 4, यानी कि 4 फिर आ जाएगा 4 2 4 2 1 1 0, या यही ना आएगा। 6 का आता है हम लोग का 1 1 0, एंड इसका आ जाएगा हम लोग का, हाँ इसका आ जाएगा हम लोग का 0 1 1। अब हम लोग को ध्यान में रखना, जब भी ऑड नंबर होगा उसका लास्ट बिट हमेशा, उसका जो लास्ट बिट होगा हमेशा सेट होगा। सेट का कहने का मतलब कि हमेशा इसके लास्ट में सेट होगा, मतलब 1 होगा। तो हम लोग कैसे पता लगाएंगे कि ये इवन है या ऑड है यूजिंग बिट मैनिपुलेशन।
तो हम लोग एक पैटर्न देख रहे हैं, कोई भी नंबर ले लो, एक ऑड तो 1 ले लो या 5 ले लो, 5 का क्या होता है, 5 का होता है 101, तो 101 तो देखो उसका जो भी ऑड नंबर लेंगे हम लोग, उसके सब के लास्ट में क्या रहता है, सेट रहता है। सेट क्या रहता है, मतलब कि वो 1 रहता है, ठीक है। तो हम लोग इससे अगर एंड ऑपरेशन करें, यानी कि कोई भी नंबर है ऑड, उससे हम लोग अगर एंड ऑपरेशन करें, हम लोग क्या करेंगे कि इसका एंड ऑपरेशन करेंगे 1 लगा के, ठीक है, सेट बिट लगा के हम लोग चेक करेंगे कि इफ एंड ऑपरेशन, हम लोग लिख लेते हैं यहाँ, एक मिनट। हाँ, हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पे, जैसे कोई एक नंबर है, ठीक है, 3 ले लो, हम लोग 3 ले लिए, उसके बाद हम लोग क्या कर रहे हैं, चेक कर रहे हैं कि 3 और मेरा ये जो नंबर है, एंड में हमेशा क्या होता है कि सिर्फ 1 जब रहेगा तभी हम लोग का 1 होगा, बाकी किसी भी के साथ नंबर रहे वो 0 हो जाएगा। 01 0 होता है, 11 1 होता है, 10 0 होता है, और 000 होगा। तो चेक करेंगे हम लोग कि क्या मेरा एंड ऑपरेशन होने के बाद क्या ये मेरा सेट बिट कंटेन कर रहा है कि नहीं। अगर कर रहा है तो मेरा ये ऑड है, क्यों, क्योंकि 11 का वैल्यू क्या आ जाएगा, 11 का वैल्यू आ जाएगा 1। देखो यहाँ ध्यान से समझो, एक मिनट तुमको अच्छे से समझाते हैं। यहीं पे जैसे 3 का होता है हम लोग का 0 1 और 1, ठीक है, और हम लोग क्या किए यहाँ पे एंड ऑपरेशन लगा दिए 1 के साथ, और चेक कर रहे हैं क्या ये सेट बिट कंटेन कर रहा है कि नहीं। तो 1 1 एंड में क्या होता है, 1 होता है, और यहाँ हो जाएगा 0 और यहाँ हो जाएगा 0। तो देखेंगे ये जो नंबर आया ये सेट बिट कंटेन कर रहा है, इट मीन्स कि ये जो भी नंबर है ये ऑड है 100%। लेकिन अगर अगर इवेन में जाए हम लोग, जैसे कि 1 1 0, और यहाँ पे हम लोग एंड ऑपरेशन करें, तो देखो यहाँ पे 0 आ गया, 0 आ गया, एंड 0 आ गया, यहाँ पे ये सेट बिट कंटेन नहीं कर रहा है, इट मीन्स कि क्या हो गया, ये इवेन हो गया और ये क्या हो गया, ऑड हो गया। तो ये कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग में अच्छा से हेल्प करेगा तुमको। देखना जितना कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामर सब ये यूज करते हैं इफ एंड एंड वन, कोई भी ये मॉड्यूलर यूज नहीं करता लगभग, मैं जहां तक कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामर का बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये एक बेस्ट मेथड है ऑड और इवन निकालने का। होप कि तुम लोग को सेकंड मेथड भी अच्छे से समझ में आ गया होगा, अगर नहीं आया है तो देन डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। तो आज हम लोग टॉप 100 में 2 क्वेश्चन कर लिए हैं, और इसी तरह मैं जितना जल्दी हो सके खत्म कर दूंगा, ठीक है। थैंक यू।